हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को पीकेपी शिक्षा यूट्यूब चैनल पर। हम लोगों ने पिछले पिछले जो भी वीडियो देखे हैं, जो भी हमने पढ़ाई करी है, उसके उससे रिलेटेड हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं ऑलरेडी। आज फिर हम लोग उस क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक। और ये क्वेश्चन क्विज ग्रुप में होगा, तो आप लोग भी साथ में क्विज सॉल्व करते जाएंगे और देखेंगे लास्ट में कितना क्वेश्चन सही होता है। हमने इस चैप्टर को भी हमने पढ़ रखा है, तो हम लोग इससे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना क्विज। ये दृष्टि है, इसका क्वेश्चन है तो बहुत ही अच्छा है। जैसे पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में गति को परिक्रमण कहते हैं। ये दोनों कथन सही है। एंड दोस्तों, हमने आप लोगों को बताया था घूर्णन और परिक्रमण क्या होता है। अपने अक्ष में जो पृथ्वी घूमती है उसको हम लोग घूर्णन बोलते हैं, और जो सूर्य के चारों ओर तरफ स्थिर कक्षा में जो घूमती है उसको हम लोग परिक्रमण कहते हैं, ठीक है। तो इसका दोनों कथन सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी का अक्ष उसके कक्षा तल पर बने लंब से कितनी दूरी झुका हुआ है। तो देखिए दोस्तों, ये जो पृथ्वी का अक्ष है, यहाँ पर क्वेश्चन, ये जो पृथ्वी है आपका, ये पृथ्वी का अक्ष हो गया, ठीक है। तो पृथ्वी का अक्ष जो है, इसके जो कक्षा तल ये हो गया, इस पर लंब ये हो गया। तो कह रहा है कि इस लंब से, ये जो लंब है आपका, ये कक्षा तल हो गया, ये वाला इस लंब हो गया ये, तो इस लंब से ये कितना डिग्री कोण बन रहा है। तो ये कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पर 37 डिग्री का बनता है, ठीक है ना। ये 37 डिग्री का बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब चीज़ आप लोगों को बताया गया तो आपको मालूम होगा। ये चीज़ प्रदीप्त वृत्त किसे कहते हैं, आप लोग फिर से जाके देखेंगे वीडियो। ये जो प्रदीप्त वृत्त है, ये वो वृत्त होता है जहाँ पर दिन और रात का पता चलता है अंतर पृथ्वी में, ठीक है। जिस साइड से सूर्य की रोशनी आ रही है ना, तो उस तरफ दिन होता है, बाकी का साइड रात होता है, पीछे वाले भाग। तो जो वृत्त बनता है वहाँ पर एक बाउंड्री लाइन, जहाँ से दिन रात पता चलता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रदीप्त वृत्त, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ऋतुओं में परिवर्तन क्यों होता है, तो दोस्तों आप लोग बताएंगे ऋतुओं में परिवर्तन क्यों होता है। तो आप लोग, मैं बताया होगा कि ऋतु में जो परिवर्तन होता है वो इसलिए होता है कि आप देखेंगे जब पृथ्वी जो है वो सूर्य की ओर झुकी होती है, उत्तरी जो गोलार्ध है, जब वो सूर्य की ओर झुकी होती है, तो 21 जून को आता है गर्मी का मौसम, 21 जून को होता है, हाँ। तो वो पृथ्वी की झुकी हुई स्थिति कारण ऐसा होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि पृथ्वी की स्थिति कारण होता है ऋतुओं में चेंज। और जैसे जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों चक्कर लगाती है, वैसे वैसे पृथ्वी की स्थिति सूर्य के संदर्भ में बदलते रहता है, ठीक है। तो इसका आंसर ये होगा। 21 जून को पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है, बिल्कुल सही बात है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, ये भी सही बात है। इसके परिमाण स्वरूप ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है, ये भी सही बात है। इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रातें होती है, ये भी सही बात है। पृथ्वी की इस अवस्था को क्या कहते हैं भैया, बताओ क्या कहते हैं। बताया गया था हम लोग को उत्तरी अयनांत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिणी अयनांत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है, जब दक्षिणी अयनांत होता है, तो सही बात है। दक्षिणी ध्रुव जो है वो सूर्य को झुका होता है, ठीक है। दूसरा, सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती है, भैया मकर रेखा जो है वो विषुवत रेखा के नीचे होता है, 37 डिग्री दक्षिण में आता है अक्षांश, तो ये मकर रेखा पर सीधी पड़ती है सूर्य की किरणें, ठीक है। ये भी सही पॉइंट है। दक्षिणी गोलार्ध पर छोटे दिन एवं लंबी रातें वाली ऋतु होती है, जब सूर्य की किरण ज़्यादा पड़ेगा तो दिन लंबा होगा, रात छोटा होगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा है छोटे दिन, तो यहाँ पर छोटे दिन है बल्कि रात छोटी होगी। अब देखो ये ऐसा होगा, मान लो ये आपका पृथ्वी है, ठीक, ये पृथ्वी हो गया, तो ये आपका ये हो गया आपका अक्ष, ये अक्ष हो गया, ये हो गया आपका इक्वेटर, ये हो गया इक्वेटर, इसके नीचे यहाँ पर क्या है मकर रेखा, और यहाँ पर है आपका सूर्य, तो यहाँ पर सूर्य है और सूर्य की रोशनी ऐसे ऐसे आ रही है, ठीक है। जब ऐसे आएगी रोशनी तो यहाँ पर बहुत सारा रोशनी पड़ती है इधर, क्योंकि ये नज़दीक है, समझ रहे बात को। तो मकर रेखा जो ये, तुम्हारा मकर रेखा इसके सामने एकदम सीधा रोशनी पड़ती है, ठीक है, यहाँ पर। इसीलिए ये जो है कथन तुम्हारा पहला और दूसरा कथन सही है। तो जहाँ पर ज़्यादा रोशनी पड़ेगी वहाँ पर दिन लंबा होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विषुव के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन से सत्य हैं। विषुव आप लोगों को पता होगा, 23 सितंबर और 21 मार्च वाला जो कंडीशन है, जहाँ पर पृथ्वी का अक्ष और सूर्य दोनों समानांतर होता है, सूर्य की किरणें पूरे पृथ्वी में बराबर पड़ती है और सबसे ज़्यादा इक्वेटर पर पड़ती है, ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो इस अवस्था में सूर्य की किरणें विषुव वृत्त पर सीधी पड़ती है, सही चीज़ है। पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है, ये भी सही बात है। कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका हुआ नहीं होता, ये भी बिल्कुल सही है, सभी पक्ष सभी होगा इसमें। नेक्स्ट, लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, 366 बताया ना दोस्तों, बताया था, टेस्ट खत्म हो गया, ओके। क्वेश्चंस आंसर्ड करेक्टली 8,
सारे सारे क्वेश्चन सही है, ठीक है। तो ये आप जब सारे सारे वीडियो जो देख लेंगे तो आपको सारे सारे क्वेश्चन यहाँ पर सही होंगे, ठीक। यहाँ से आप क्वेश्चन में डाउनलोड किया जा सकता है यहाँ पर, ठीक है, 16/16। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी दिन भी आने वाला टाइम हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे आप लोगों से। तो इस वीडियो में आप इस चैनल में आप बने रहिएगा आगे तक, ठीक है।